बावजूद इसके आप भी तैयार नहीं, और आप घोषणा दिया, घोषणा तालियां। और माननीय तहसीलदार महोदय जी की अगर हम बात करें तो काफी मशक्कत करनी सरकार ने तय की है, उसी विकास के तहत खेलों का आयोजन किया गया है खेल विभाग के द्वारा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। खेल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, बचपन से ही हम लोग खेलना प्रारंभ करते हैं। भाई साहब लगातार जाते रहेंगे उनका नाम टीम के कैप्टन, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो अपने समस्त खिलाड़ी के साथ यहाँ पर आ जाए। कुरमुइचा, तो ये कौन मुकाबला खेला जाएगा, खेले जा रहे हैं, लगातार बॉडी को फ्री किया जा रहा और अब सर्विस यहाँ पे की गई सीधा कुरमुइचा की ओर से, और यहाँ पे रिसीव किया बॉल को, फिर तैयार और हल्के हाथ पे इस्तेमाल करके अंक लेना चाहते थे वहां पे। और पुरस्कार वितरण गंगा यात्रा के प्रभारी मंत्री जेपी निषाद द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इससे पूरा महर्षि वाल्मीकि आश्रम में अवस्थित लोकेश इंटर कॉलेज सीतामढ़ी का क्रीड़ांगन एकदम शोर से गूंज उठा। मंत्री जी के स्वागत को लेकर लोग बड़े आतुर रहे। इस तरह से यह प्रतियोगिता बहुत ही ग्रामीण अंचल में ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहवर्धन करती है और ग्रामीण गांवों में तरह तरह के खिलाड़ी जो है वह अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप स्वयं यहाँ उपस्थित रहे हैं, आपने देखा कि गाँव के लड़के किस तरह इस खेल में प्रतिभाग किए, कितनी उनके अंदर रुचि रही और कितना अच्छा वो खेल को प्रदर्शित किए। अच्छा मतलब एक चीज़ और पूछना चाहिए, जो गंगा यात्रा ये चल रहा था और कल गंगा यात्रा का समापन हुआ, तो गंगा यात्रा जो किया गया बीजेपी के द्वारा, तो कहाँ तक ये सही लग रहा है आपको कि गंगा यात्रा सफल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, एक कहावत है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा मैया कि केवल दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। और इसके गंगा यात्रा को जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह कदम उठाया गया, बड़ा ही सराहनीय रहा। इस गंगा मैया में कहा गया है कि इन्होंने सगर के हजारों पुत्रों को उतार दिया था, मोक्ष दे दिया था, तो इनको मोक्षदायिनी कहा गया है। और अगर हमारी गंगा यह सफा हो जाती है, इनका सफाई अभियान सही हो जाता है, तो यह बीजेपी द्वारा जो कदम उठाया गया है, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, यह बहुत ही सफल आयोजन रहा। इसमें जगह जगह जो है काफ़ी संख्या में लोग गंगा घाट के किनारे रुके रहे, गंगा पूजन किया, गंगा आरती किया और यह आयोजन मुख्य रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से सफल रहा।